हाय, मैं हूँ कृतिका कामरा और वेब के सेकंड सीजन में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी स्टोरीज, ऐसे इंसिडेंट्स जिनको सुनने वाला हर इंसान एक बार तो इंटरनेट के बढ़ते इफेक्ट्स के बारे में ज़रूर सोचेगा। पढ़ाई जो कभी किताबों तक ही लिमिटेड थी, आज वेब की वजह से इंटरनेट की विंडोज़ पर भी होती है। अनपढ़ाई ही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट इज़ द बेस्ट रिसोर्स सेंटर। पर कभी कभी इतने सारे अच्छे यूजेस वाले इस इंटरनेट की हेल्प से टीनेजर्स कुछ ऐसे काम करते हैं दैट एंड अप चेंजिंग पीपल्स लाइव्स फॉरएवर। हमारी आज की कहानी है मिस्टर फिलिप की, एक ऐसे टीचर जिनके लिए हिज स्कूल, हिज स्टूडेंट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। सब खत्म हो गया है, मैं और नहीं सह सकता। अब जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती, मेरी गलती। दिवाली मनानी थी ना इसे, अच्छा दिवाली मनवाई थी इनकी। तू रुके, ये हो गई इसकी हैप्पी दिवाली। यस, अपलोडिंग। गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह असेंबली में गेम खेल रही हो, शर्म नहीं आती? सॉरी सर। तुम हाउस कैप्टन हो, ये देखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। टफर्स, आज मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं। डिसअपॉइंटेड है? मोबाइल फोन से कौन डिसअपॉइंटेड होता है यार। ये इज्जत जो आप अपने टीचर्स और अपनों से बड़ों के लिए रखते हैं, चलो जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आ गई, कम से कम कुछ तो सही करो। जिसने ये हरकत की है अपने आप सामने आ जाओ। ठीक है, मैं ही बता देता हूं। तुम दोनों को क्या लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? बहुत हो गई तुम दोनों की बदतमीजियां। मिस्टर फिलिप थोड़े पुराने ख्यालात के टीचर थे,
उनका मानना था कि पनिशमेंट ही स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने का सबसे सही तरीका था। अश्विन और मीत ने जो गलती की थी शायद उसके हिसाब से देयर पनिशमेंट वाज लिटिल टू सिवियर, बट मिस्टर फिलिप का सिंपल कॉन्सेप्ट था स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, और वो अपने हर स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए यही कॉन्सेप्ट अपनाते थे। आज कल की जनरेशन किसी रूल या रेगुलेशन को नहीं मानती। स्कूल में टीचर से कैसे पेश आते हैं जैसे कभी सीखा ही नहीं है। पढ़ाई में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस बदमाशियां और बदतमीजियां। पर मैं भी इन जैसों को सीधा करना अच्छी तरह से जानता हूं। गुड मॉर्निंग सर। नैना, ये तुम्हारी स्कर्ट इतनी लंबी है क्या? सर फट गए वो। Okay, sir. Sorry, sir. जितनी फोल्ड की है नीचे करो। खराब। एक्चुअली मेरे पास एक बेटर आइडिया है। राशा जी सर, मेरे ऑफिस जाओ, टेबल पर एक यूनिफॉर्म पड़ी है, ले आओ। सॉरी सर। सर आई विल गेट इट चेंज्ड, आई एम रियली सॉरी। सर यूनिफॉर्म लो और इसे पहन कर आओ। सर बॉयज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में आओ अभी। सर प्लीज सर, बॉयज यूनिफॉर्म है। सॉरी सर। मे बी कमिंग सर। कम इन। थैंक यू सर। नैना, ये पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करो। बहुत ऑब्वियस है कि आप में से कोई भी इस टेस्ट के लिए पढ़कर नहीं आया था। मैंने आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए एक हफ्ता दिया था, लेकिन फिर भी आप में से किसी के भी नंबर्स अप टू द मार्क नहीं है।
लड़की बनने का बहुत शौक है तुम्हें या बाल कटाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास? Give me the band. बहुत शौक है तुम्हें। सर सॉरी। अब पूरी तरह से लड़की बच जाओ। Look at me. पढ़ाई शुरू करो। You know, Mr. Philip wasn't malicious. वो बस बहुत ही strict थे और उनके ways normal teachers से अलग थे। In his head, he was doing the right thing. क्योंकि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के भले के बारे में सोच रहे थे। पर अश्विन, मीत, नैना एंड ताशा ये बात ना ही समझ पा रहे थे और ना ही अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पा रहे थे। एंड अ चाइल्ड विद अ ब्रूस्ड ईगो इजंट रियली अ चाइल्ड एनीमोर। यो गाइस, हैप्पी दिवाली। मजा आ गया ना? है ना? उसने मुझे एक हफ्ते तक बॉयज यूनिफॉर्म पहनने को कहा है। आई विश आई कुड जस्ट यू नो, बट उस आदमी को तो सबक सिखाना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग। तू पागल है क्या? हम क्या सबक सिखाएंगे यार उसे? नहीं यार, नैना ठीक कह रही है। अब तो हद ही हो गई है। अगर बाल कटवाने को बोलना तो बस बोल देता ना। इस तरह सबके सामने ह्यूमिलेट करने की क्या जरूरत थी? नॉट डन। ताशा, अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो वो वही करेगा जो हम कहेंगे। यक, कितना बोरिंग ब्लॉग है, कौन पढ़ता होगा? एक्सपेक्टेड। हाय। आई लव योर राइटिंग, स्पेशली वो जो सेकेंड वाला ब्लॉग था ना, दैट। I know how you feel. I understand you. Message me. सर, एक्चुअली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस बार मुझे लग रहा है कि मेरे मार्क्स लो हो जाएंगे। अगर हमें थोड़ी ट्यूशन्स मिल जाती तो आई वाज वंडरिंग। प्लीज सर। नैना, तुम्हारा तो मैं समझ सकता हूँ, पर ताशा, तुम्हारे नंबर्स तो सारे टेस्ट में बहुत अच्छे आए हैं, अचानक क्या हो गया? सर एक्चुअली पता नहीं क्यों इस बार मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, एंड प्लस बोथ हैं आई रियली वॉन्ट टू टॉप, लेकिन सर ये मुझसे अकेले नहीं होगा। प्लीज सर, कैन यू हेल्प मी? अस एक्चुअली। ठीक है, कल से आ जाना। थैंक यू सर। सर फीस
फीस की कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए सब कर रहा हूँ, बस बोर्ड्स में तुम लोग टॉप करो, मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छी तुम। इतना क्या है, रिप्लाई भी कर दीजिए। स्टॉप मैसेजिंग मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लिसन, मैं टीचर हूं। जानती हूं, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। यू नो आपसे चैट करने में कितना टाइम लग गया? आई डोंट वॉन्ट वेस्ट एनी टाइम। मतलब ये कि वीडियो चैट करते हैं अभी। नो वे। क्यों? कम ऑन, एक ही बात है, चैट करें या टॉक, बस बातें करेंगे। फाइनली आई गॉट टू सी यू। I've been waiting for this day to come. I just love your eyes. पता है, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपसे बात करने का। My God, I'm your biggest fan. I love what you write. मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सोच कहाँ से आती है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है। Got to go. See you. Bye. प्रैक्टिकल्स के बाद अपने एग्जाम पेपर्स ले लेना। वैसे भी मार्क्स किसी को दिखाने लायक तो है नहीं। बोर्ड एग्जाम सर पर हैं और आप सबका यह हाल है। अगर ऐसा ही लगा रहा तो अगले साल भी इसी क्लास में पाए जाएंगे आप सब टफर्स। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Can you please help me? Hello, sir. क्या बात है? इतनी देरी से आई हूँ। सर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो ना नैना है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। सॉरी सर। कम इन। पिछले कुछ क्लासेस में जो फॉर्मूलास मैंने तुम्हें सिखाए हैं जी सर, वो लिखना शुरू करो बिना देखे। ताशा। जी सर। ताशा, तुम मेरे ब्लॉग को फॉलो करती हो? उस रात को वो चैट
ये सब सब दरअसल नहीं होंगे सर. आई डोंट नो हाउ टू से दिस टू यू. स्लोली आई स्टार्टेड लाइकिंग यू अ लॉट सर एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू यू अपार्ट फ्रॉम दैट. एंड आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं स्कूल में सर. आई लव योर राइटिंग. आप मुझे इंस्पायर करते हैं, इंकरेज करते हैं मुझे. तुम कर सकते हो. आई रियली लाइक यू सर. सर प्लीज एक बार. आई से घर जाओ अभी. नाउ आई लव यू. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग अभी लिखेंगे. स्टार्ट. सारे आंसर्स लिखिए, मैं अभी आता हूं. ताशा, ताशा क्या कर रही हो? आप ऊपर आ रही कि मैं कूद जाऊं? ताशा नीचे आओ. आप ऊपर आई नहीं तो कूदने वाली हूं. I said come down. ठीक है, मैं कूद रही हूँ. ताशा, ताशा, ताशा मेरी बात सुनो. ताशा, 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 ताशा क्या कर रही है तुम? ताशा, क्या कर रही है तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कब से आपको कह रही हूँ, I really love you, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रहे. ये खराब है. ठीक है, आप मुझे नहीं चाहते ना, तो आप जाइए यहाँ से. आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? Let me go there. ताशा, listen to me. देखो ताशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो. ये नहीं हो सकता. ताशा, you're my student. और इस उम्र में ये लव वगैरह कुछ नहीं होता. तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लाइफ में ध्यान देना चाहिए. आपको लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ना? मैं पढ़ूंगी. Please understand that I love you. मेरी तरफ देखिए. I promise मैं पढ़ूंगी. Just wait for me. Don't go away. I know कि आपको अपनी past relationship से बहुत hurt हुआ है. I'll never hurt you ever. ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? प्रोजेक्ट सबमिट करना था सर. परमिशन दे तो आप करते हम लोग. नहीं सर, ये भी है सर. सर ये ऑन कर. ये भी है सर. ऑन भी कर दिया सर. सब क्या है ताशा? तुम जानती हो सर क्यों? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स. सर लिमिट तो आपने बहुत पहले क्रॉस कर ली है. अभी नहीं सर, बहुत पहले सर. सर प्रोजेक्ट तो सबमिट होता रहेगा सर, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो कहीं बाहर सबमिट वबमिट हो गई तो आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. मैं तो मज़ा आएगा, पर आपकी रेपुटेशन वैसी ही बच्ची कुछ पानी में गोते खा गई सर. तो ये
काम खराब हो जाएगा। तुमने किया नहीं सब, मजाक लगता था। बच्चा ने गेम से मार ली। हमारे साथ खेल रहे हैं कब से? लड़की को लड़की बना दिया, लड़की को बेचारी ड्रेस पहना दी। इन दोनों को आपने कितनी बेरहमी से मारा सबके सामने। हमें एक लाफिंग स्टॉक बना दिया। आपको क्या लगा सर हम कुछ नहीं करेंगे? लुक एट मी सर। कुछ नहीं, मीत सर आप समझ नहीं रहे। बात यह है कि ये वीडियो है हमारे पास, तो अगर ये वीडियो इधर उधर कहीं चला गया ना सर, तो सर आज के बाद जो हम चाहेंगे ना वो हमारे अकॉर्डिंगली चलेगा सर। चले सर। थैंक यू सर, सी यू। टेक केयर सर। Have a nice day, sir. अच्छे से लिखना। ये इन्हों का भी भरने सर, उन्होंने भी नाम रोल नंबर सब लिख दिया सर, बस वो आखिरी की चार पांच पन्ने रह गए। चलो भाई। फिलिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उनका ऑनर। उन्होंने कई साल की कड़ी मेहनत के बाद अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी, और इस रेपुटेशन के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था टू शो फॉर ऑल हिज इयर्स एट द स्कूल। नाउ ऑल हिज डेडिकेशन, हिज डिवोशन टू हिज जॉब वॉज अंडर अ थ्रेट। वो किसी भी हालत में उस वीडियो को लीक नहीं होने दे सकते थे, एंड सो ही वॉज नाउ सिंपली अ puppet in the hands of these kids. Sir, कैसे सर? How are you, sir? We're looking good, sir. तुम लोग क्या कर रहे हो? सर, अरे सर, मुझे नहीं सर, इसकी मुझे नहीं है सर, लड़कियों की तो obviously नहीं होगी सर, स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे भी नहीं है सर, सिर्फ कटवाने के। अच्छा एक मिनट सर नहीं सर, कुछ मिसिंग है सर। बता नहीं तो क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? हिटलर वाली वॉच सर, एक बार लगवा लो ना सर। सर प्लीज ना लगवा लो। Oh,
सर तुम लोग कैसे सर आइए बैठिए तुम लोग क्या क्या करना है बैठिए आराम से बैठिए देखो चल जाओ यहाँ से बैठिए ना सर कितना सुनसान घर है आपका सर ऑब्वियसली वो वाला यार अब सर के पास कोई ट्यूशन पढ़ने नहीं आता सर मैं मिस कर देना सर मैं ये कह रहा था सर मैंने सुना था सर गिफ्ट तो बनता है ना सर अब अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा ड्रेसअप करते हैं आपको सर नहीं देखेंगे अपलोड कर देते नहीं 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 अश्विन सर वही करेंगे जो हम उन्हें करेंगे है ना सर आप हमारी बात मानेंगे ना कर लीजिए ना सर प्योर ही शो जो है चलिए चलिए उठिए 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 लेट अस ड्रेस यू अप कम ऑन नाइस अरे सर रुकिए चुप चुप वीडियो वीडियो मत प्लीज प्लीज आपको बड़ा शौक है ना लड़कों के बाल बांधने का दे ये सब सब मेरी गलती है मेरी गलती सर सर अब ठीक है ना सर 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 मैं कुकु माथुर 2010 बैच सर ये मैं आज ही आया सर आपके घर जा रहा था मैं हाँ सर चाय मैं बहुत बुरा आदमी हूँ मैंने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हमेशा रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रहा सबके साथ सजा दी उन्हें पता ही नहीं चला मैं कब ऐसा हो गया मुझे पता ही नहीं चला स्ट्रिक्ट तो सर थे आप दर्द भी बहुत होता था मन करता था कि अगले दिन जाके बट सर बाहर निकले तो हमें पता चला कि आपकी जो स्ट्रिक्टनेस जो डिसिप्लिन और जो पेन था वो बाहर की लाइफ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है सर सर आज आपने अगर हमारे को तैयार नहीं किया होता तो आज मेरे पास ये सब नहीं होता एक बात जो मैंने आपसे सीखी वो ये थी कि गलतियां तो सब करते हैं सर मैंने भी एक गलती करी बट वो गलती मान लेना और सब सही हो जाता है मैं 18 साल से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं 24 साल की उम्र में यहां आया था अपनी जिंदगी मैंने यहीं स्टार्ट की थी और यहीं खत्म भी करना चाहता था
मैंने अपने रूल्स खुद बनाए हैं और उन्हें फॉलो भी किया है। मैंने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया है, अपने आप पे कंट्रोल रखना सिखाया है, और जिसने भी ये फॉलो नहीं किया है उसे सजा भी दी है। बट टुडे आई एम द वन हु हैज कमिटेड अ मिस्टेक। I wanted to hide it, but now I won't. I have also been enlightened. मुझे बहुत सी चीजों का डर लग गया था, डर गया था कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने मुझे वो सिखाया जो मैं इतने सालों से सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी गलती को अपनाओ, जिंदगी खुद ब खुद सुधर जाएगी। मैं इस पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं। मेरे लिए मेरी कमाई हुई इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट इस जॉब से ज्यादा जरूरी है। सर, मेरी गलती थी कि मैं 17 साल की लड़की की बातों में आ गया, उसके झूठे प्यार और नाटक पर मैंने भरोसा किया। ये मेरी गलती है और मैं इसे मानता हूं, लेकिन अब मैं इसे और कंटिन्यू नहीं होने देना चाहता। इसके बाद जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। अश्विन, नीत, ताशा और नैना, ये 4 स्टूडेंट्स इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल करते हैं और जो ये कहते हैं मुझे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं एक 17 साल की लड़की की बातों में आ गया, क्योंकि उसने मुझे जान देने की धमकी दी थी, और ये सब इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों को मेरा डिसिप्लिन पसंद नहीं है। बस मैं अब ये सब और नहीं कर सकता, और इनके भले के लिए मुझे कुछ करने की सजा मिले मुझे यह भी मंजूर नहीं है। I'm sorry, sir. अश्विन, मीत, नैना और ताशा, चारों को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। मिस्टर फिलिप ने पढ़ाना छोड़ दिया, बट नॉट बिफोर रियलाइजिंग कि एक्सट्रीम बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस भी एक्सट्रीम ही होते हैं। सोचने में अजीब लगता है ना,
चार स्कूल के बच्चों ने एक ऑनेस्ट राइटियस ग्रोनअप को ब्लैकमेल किया, ऑल ऑफ इट विद जस्ट वन वीडियो। वो वीडियो एक मिनट में मिस्टर फिलिप की सारी उम्र की कमाई हुई रिस्पेक्ट और ऑनर को डिस्ट्रॉय कर सकता था, बट मिस्टर फिलिप ने जो स्टैंड लिया और जिस तरह खुद को और विक्टिमाइज होने से बचाया वो काफी कमेंडेबल था। द पॉइंट इज टू बिलीव इन योर सेल्फ। इंटरनेट पर हम कई लोगों से मिलते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उन पर डिपेंड करने लगते हैं। जरूरत है तो कॉशन की और समझने की कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है, कोई कॉन्स्टेंट जरूरत नहीं है। सो सर्व स्मार्ट, स्टे सेफ।